ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं प्रबुद्धसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोमज्ञानचन्द्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नाम्नि नमस्ते। सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। वाहन प्रभु आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका अनम्यूट। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में हैं, चाहे अर्जुन भगवान को याद करते हुए उनके सारे लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं जो स्पेशली उनके साथ हुआ है। जहां जहां ऐसा लग रहा है कि हम हार गए हैं और भगवान हमारी रक्षा के लिए उतरे हैं। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे वो मधुरता तो देखो, पहले मुझ पे विश्वास तो करो, एक बार छोड़ के तो देखो। अपना ये जो कंट्रोल है इस दुनिया का, जो है नहीं तुम्हारे पास, जो भी मैंने ही दिया है, उसका अहम भाव छोड़ के एक बार भगवान का हाथ पकड़ के तो देखो। लेकिन बस उसी को भक्ति कहते हैं। एक बार हम हमारे अहंकार को छोड़ दें, हमारे कंट्रोलिंग मेंटालिटी को छोड़ दें और अपना सर्वे सर्वा भगवान पे आधारित करके छोड़ के देख लीजिए, वो जो रिलेशनशिप बनेगा आपका वो बहुत ऊंचा होगा। उसको आप व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, उसको केवल अश्रुधारा से ही व्यक्त कर पाएंगे। नयनम गदगद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम बभू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। उन भगवान के प्रति जिस दिन आप ऐसे समर्पण कर दीजिएगा, वही स्टार्ट हो जाएगा। कई बार लोग बस इसी से कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं। हमें जो मिला है वो रखना, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। जो मिला है उसको भी भगवान की सेवा में लगाना, युक्त वैराग्य है हमारा। हमको त्याग नहीं करना है, हमको त्याग अपने अहंकार का करना है ना। तो हमें जो है वो भगवान का ऊपर पूरा आश्रित होकर एक बार आनंद लेना है। जो मीराबाई ने लिया, हमारे छह गोस्वामियों ने लिया, महाप्रभु ने भक्त कैसा होना चाहिए यहाँ संसार में आके दिखा दिया। स्वयं भगवान कृष्ण ने महाप्रभु का रूप धारण करके हमको दिखा दिया कैसे है, क्या करना है। भक्ति करना मतलब क्या करना है? तो ये एक स्वीटनेस है, यानी हम सबको ट्राई करना चाहिए कि उस लेवल तक आने का। कई बार हम कंट्रोल ले लेते हैं, बस छोड़ दो। तो आइए हम सब अर्जुन की आगे, कल हमने देखा कि कैसे उन्होंने क्या कहते हैं उनको, जरासंध का स्टोरी देखा हमने, जरासंध के युद्ध में कैसे बचाया था। और हमने देखा था कि मैदानों का देख लिया था, जरासंध वाला देख लिया था। और उसके बाद हमने देखा था द्रौपदी का जो मदद हुआ था, वो उसके बारे में हमने कल देखा था। आज वो बताने वाले हैं कि दुर्वासा मुनि के साथ जो उनका एपिसोड था, स्पेशली जब दुर्वासा मुनि आते हैं और प्रसाद लेने की बात होती है और उनका खाना खत्म हो जाता है, तो वो प्रसंग के बारे में बताने वाले हैं। आइए सुनते हैं। 11वां श्लोक है। यो नो जुगोपवन इत्यदुरंत कृच्छ्राद दुर्वासो अरिरिच रचिताद अयुताग्र भूग्यः भूग्यः शाकान् नशिष्टम् उपयुज्य यत्त्रिलोकिम् तृप्तामस्तम्मस्त सलिले विनिमग्न संगः। During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples, intrigued with our enemies to put us in dangerous trouble. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us.
while he is accepting food, thus the assembly of munis while bathing in the river felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. So ye ek simple line hai, yasmin tushte jagat tushte. Ha, agar bhagwan tusht ho jaye to sara jag tusht ho jata hai, isliye bahut bada kahavat hai, yasmin tushte jagat tushte. To yahan pe jo prasang hai ye bahut hi gehra prasang hai. फिर उस प्रसंग में जाने से पहले दुर्वासा मुनि कौन है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो दुर्वासा मुनि स्वयं एक ब्राह्मण है, बहुत पावरफुल ब्राह्मण है, और इनके पास अथांग शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां कि अपने इच्छे से एक दूसरा ब्रह्मांड बना सकते. हाँ, ऑर्डिनरी नहीं है दुर्वासा मुनि. और ये कहा जाता है कि ये शिवजी के अंश हैं और शिवजी के ही भक्त हैं, तो इसलिए दुर्वासा मुनि त्रिपुंडी लगाते हैं. शिवजी के ही अंश हैं, शिवजी के ही भक्त हैं, और इतना तक कि जैसे शिवजी को आशुतोष कहा जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उनका, अगर आपने तपस्या कर दिया बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं. तो उसी प्रकार जो दुर्वासा मुनि है ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी नाराज हो गए, और अगर ये प्रसन्न हो गए तो आप मतलब आप सोच नहीं सकते इतना आपको आशीर्वाद भर भर के देके जाएंगे, और अगर ये नाराज हो गए या अप्रसन्न हो गए तो ऐसा कुछ दे देंगे श्राप या वो, जो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा निकलते निकलते. इसलिए जनरली ये साधुओं के साथ जब हम लोग डील करते हैं तो आप हमको एक चीज याद रखना चाहिए, जब साधु देता है ना तो वो चीज दे देगा जो आपके आपके रिश्तेदार भाई बहन चाचा मामा कोई नहीं दे सकता, इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, वो साधु आपके लिए देके जाएगा ऐसे एकदम खुश हो. साधु नाराज हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी. तो साधु ऑब्वियसली साधु कुछ ऐसा चीज नहीं मांगता है जो आपको कुछ कर दे, साधु आपकी अहंकार की परीक्षा लेता है. अगर वो कुछ मांग ले तो वहां आपकी आसक्ति दिखाई देती है, अगर आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं मैं वो आसक्त हूं, आप उसको देके वैकुंठ का दरवाजा खोल रहे हैं. महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, ऐसा कहते हैं महत द्वारम. हाँ, कि जो भगवान का द्वार है ये केवल महत सेवाम, केवल महत यानी महान संतों की सेवा कर देने से द्वार खुल जाते हैं वैकुंठ के, नहीं करने से तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, नहीं करोगे तो नरक का रास्ता एकदम खुला रहेगा, हाईवे के साथ लेके जाएंगे. तो यहाँ दुर्वासा मुनि इतने बड़े साधु हैं. कुंती महारानी का वो प्रसंग आता है जब कुंती महारानी के पास गए, उनके पिताजी के पास वहां गए थे मिलने, और राजाओं को मिलने जाते रहते अक्सर और देखते रहते कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है. यही काम है, जो रजोगुणी क्षत्रिय है, रजोगुण सतोगुण से मिश्रित क्षत्रिय है, वो समाज में नाम प्रतिष्ठा करके समाज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये जायदाद तुम्हारे बाप की है. उन्हें हमेशा मालूम होना चाहिए राजा को गद्दी मिलती है ब्राह्मणों के वजह से, ब्राह्मण को आदेश मिलता है ऋषियों के वजह से, ऋषियों को आदेश मिलता है भगवान से, तो भगवान की तरफ से इस राजा को बिठाया गया है. तो अगर कोई राजा ये सोचने लगे कि ये प्रजा मेरी है मैं इसमें से जो चाहूं कर लूं तो आप गलत हो. इसलिए साधु आते हैं, बार बार उसका प्लेटफॉर्म चेक करके जाते हैं. हाँ, इसलिए साधुओं को मिलते रहना चाहिए, जो राजा इत्यादि लोग हैं या जो समाज में व्यवस्थापन करने वाले हैं उनको मिलना चाहिए, और उनको हमेशा याद रहना चाहिए राजाओं को कि हम यहाँ के शासक नहीं है, शासक भगवान है, और ये याद दिलाने का काम ऋषि मुनियों का. तो यहाँ पे जब वो कुंती माता के वहां गए राज्य में, तो माता कुंती ने इतना अच्छा सेवा किया, कुमारी कुंती थी, इतने अच्छे से सेवा किया, इतने अच्छे से सेवा किया कि दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत मतलब एकदम एकदम खुश हो गए. आज साधु को खुश करना ना बहुत आसान है, आप साधु को पहला काम नहीं करना है, आपने जिंदगी में एक काम बस नहीं करना, साधु उतने में ही खुश हो जाता है, बाकी छोड़ ही दीजिए, बाकी आप खिलाइए पिलाइए दान दक्षिणा ये सब आप करिए, वो तो वो खुश हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा. एक चीज आप नहीं करने केवल उतना ही आप ध्यान रखिएगा तो आप खुश हो जाएगा, बताइए क्या, कौन बताएगा?
हाँ आप सर हुआ क्या प्रभु मैंने आर्गुमेंट श्रीनाथ जी प्रभु जो है प्रभु जी का आर्गुमेंट हाँ पहले पहले इनको आप बोलने दीजिए श्रीनाथ जी प्रभु को मैं नाम भूल गया म्यूट म्यूट हटाना होगा आपको ठीक है तो हाथ ऊपर कर लेते हैं ठीक है ये श्रेष्ठ माता जी आप बताइए हरे कृष्ण प्रभु जी। और उनका हाँ कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर नहीं करना चलो ठीक है अनादर नहीं करना ठीक है और एक चीज है उससे भी आगे अनादर तो एकदम अपराध है अनादर तो एकदम अपराध है लेकिन आदर करने के वक्त भी एक चीज का ध्यान रखना आप आदर कर रहे हैं लेकिन वो एक चीज आपने कर दिया ना वो वहां से निकल जाएगा। हाँ हमारे अर्चना माता जी कह रही है आर्ग्यूमेंट हाँ आर्ग्यूमेंट तो ठीक है विचार विनिमय कर सकते हैं क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहिए वो भी ठीक है उससे भी थोड़ा फाइनर है ये सही है आपका ये बात सही है एक उससे फाइनर ऋतु माता जी प्रभु जी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ अहंकार से। वो ठीक है वो अहंकार रखोगे तो फिर तो सेवा में मिश्रण आ जाएगा ये भी सही है थोड़ा और रिफाइंड एकदम ये आपको आपको बहुत हेल्प करेगा स्पिरिचुअलिटी में। यस हमारे मंजू माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। वो भय से उनकी सेवा नहीं करते तो ओके समझ भाई से उनकी सकते। सेवा ना करें दिल से करें चलिए ये भी ठीक है ये भी ठीक है। एक और चीज रोहित जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अपनी सुनाने से ज्यादा उनसे सुनने का प्रयत्न करना है। ठीक है अपनी सुनाने से ज्यादा उनसे सुनने का प्रयास करें ये भी ठीक है अगर आपने अपना भी सुना दिया तो साधु शायद नाराज ना हो जाए उतना वो ओके रहता है आप सुना दे तो जानते हैं कि लोग अपना प्रारंभ बताएंगे वो उधर ठीक है मैं और भी सेंसिटिव कुछ खोज रहा हूँ। यस आशा माता जी प्रभु जी सेवा करते समय भाव भी हमारा सेवा का ही रहना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए। ठीक है दिखावा नहीं होना चाहिए भाव होना चाहिए ठीक है। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु आपका नाम मैं ऑफिस भूल जाता हूँ मैं तीन नोटबुक रख रहा हूँ। अपने आप को जिस तरह भगवान को समर्पण करते हैं उसी तरह साधु को भी अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। वाह 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 जैसे भगवान के प्रति हमारा समर्पण है तो साधु के प्रति भी होना चाहिए। नहीं ये तो आपका सेवा हो गया एक चीज का ख्याल हमको रखना है अंदर में एक चीज का ख्याल रखना है उसको करना नहीं है वो ख्याल है जिसको अलर्ट में रखना है 24 घंटे जब तक साधु आपके सामने है। गणेश जी हरे कृष्ण प्रभु जी, विनम्रता से सेवा करना चाहिए, विनयशीलता होनी ठीक है चाहिए। ये सब सेवा करने के गुण हैं ये ठीक है। सुभि माता प्रभु जी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा नहीं करना चाहिए ये भी ठीक है वो आए हैं तो आप उनका निंदा नहीं करिए। चलिए आप लोग फिर भी चलो मैं ट्राई दो श्रेयांश प्रभु जी उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, भौतिक वाला कुछ मतलब ठीक है नहीं आध्यात्मिक करना। प्रश्न पूछना चाहिए। ओके नरेश जी हरे कृष्ण प्रभु, वो जो साधु है ना उससे उसका जो उपदेश है उसको सही से पालन करना चाहिए, उसमें वो और संतुष्ट होता है। ठीक है उन्होंने जो दिया है उसको सही से पालन करना चाहिए। प्रशांत जी प्रशांत सारस्वत जी आपका हाथ रेज है। ओके शायद प्रशांत जी नहीं है। वाहन जी प्रभु जी साधु अगर सामने आए पहले शरणागत हो जाना चाहिए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये सब ठीक है ये सब ठीक है मैं जो खोज रहा हूँ बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत बारीक है। मनोज जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी तिरस्कार मत कीजिए इसका दूसरा। थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए या तिरस्कार नहीं करना चाहिए उनका तिरस्कार जो नहीं भी है। करना चाहिए अनादर नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ साधु विल नॉट हाँ चंद्रा साधु विल नॉट बी हैप्पी इफ ही ऑफेंड अदर डिवोटीज। ठीक है बाकी भक्तों को आप तकलीफ नहीं दीजिए साधु को सम्मान करते करते तो साधु को पसंद अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है प्रभु जी हाँ बोलिए हरे हरे वाले बोलिए। साधु जो साधु को ना एक तो मैं उनके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, दूसरा उनकी बात को काट के अपनी ओवर उससे ऊपर नहीं करना ओवर चाहिए। स्मार्ट वाला नहीं करना चाहिए साधु के तत्व को आप काट सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपका तत्व उनसे ज्यादा है तो प्यार से ऐसे नहीं कि तुम क्या करते ऐसा नहीं प्यार से बोल सकते कि अरे
हम तो जैसे मेरे को एक बार साधु मिले तो मैंने उनको बोला मैं राधा कृष्ण का भक्त, अरे ठीक है नो तत्वों को भी आपको बता सकते हैं हरे नहीं अभी अभी प्लीज नहीं प्लीज प्लीज बीच में बिना नाम लिए मत करिए ऐसे तो फिर सबको अधिकार ले लेंगे तो दिक्कत होगा। अब जो है मैंने मेरे को जो चाहिए था आप सबसे मैंने ले लिया, मैं आपको अभी बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। साधु को आप जो भी सेवा दे रहे हैं चाहे आप वो उनको ना जजमेंट नहीं करना, जजमेंट होता ना जजमेंट पास कर देना, अरे बहुत खाते हैं ये लोग, अरे ये तो दुही कपड़ा इनके पास, अरे ये तो ऐसा कर रहे हैं, गलती से भी या तो साधु को मत बुलाओ आया है तो जजमेंट नहीं करो, अपना जजमेंट का जो दिमाग है ना वो लॉक करो, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं हमारा जजमेंट, हम नहीं जानते वो साधु क्या तपस्या कर रहा है किस लेवल में है उसका क्या कॉन्शियसनेस है तो जजमेंट नहीं करो। हाँ फिर तो ऐसा नहीं कि आप ब्लॉक कर दो बंद कर दो और कुछ नहीं, देखो हाँ वो साधु के भी कुछ धर्म है वो पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप वहां से मतलब हट जाओ और आप सामाजिक रूप से उसको एड्रेस करो, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी गलत काम कर रहा है तो आप ऐसा नहीं, आजकल रास्ते में भी बहुत सारे साधु घूम रहे हैं जो साधु का वेश पहने, लेकिन मैं उन साधुओं की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अच्छे स्थिति में है और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जजमेंटल, आपको नॉर्मल सामाजिक चीज देखना चाहिए, नहीं कि पता चला कोई साधु के वेश में आए और मोहल्ले में माताओं को ताड़ रहा है तो उसको तो बजा के भेज देना चाहिए, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जो साधु ऑलरेडी समाज में सेवा कर रहा है और कार्यान्वित है तो उसको जजमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार नागा साधु आते हैं या ऐसे भी नॉर्मल अन्य साधु आते हैं, इमीडिएट जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो क्योंकि वो फिर सेवा में आपके दोष आ जाता है। तो हर एक ये पॉइंट था। तो दुर्वासा मुनि जो थे, दुर्वासा मुनि जो है आपको पता है मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, ये कौन बताएगा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज हमारे डीटीज आए हैं तो उसमें हम अपीजी थे और हमने परपोर्ट सिर्फ इसी वर्ष का पढ़ा है, अगले वर्ष का पढ़ा नहीं है तो मुझे इसी वर्ष में आज का क्लास खत्म करना है क्या है साधु होना तो झूठा बोलना नहीं होता मेरे से, अंदर में रख के फायदा नहीं है और इसलिए कृष्ण लाल जी को दे देंगे वो कथा करेंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ा है मैंने, इसका चिंता नहीं करी, ये परपुट दुर्वासा मुनि वाला पढ़ा है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुंती माता को भी आशीर्वाद दिया, कुमारी कुंती को आशीर्वाद दिया दुर्वासा मुनि ने कि आप जिस देवता को पुकारोगे वो आपके सामने प्रकट होगा, मंत्र दे दिया तो वो आ जाते हैं। सुभी माता ने आंसर नहीं सुना, मैं कह रहा था कि साधु का जो है जजमेंट नहीं करना उनके प्रति, देखो इतना खा लिया हमने 10 रोटी दी थी 10 खा गया, नहीं जजमेंट नहीं कर, बस जजमेंट नहीं कर उनको, देहात्म बुद्धि दुख नहीं। तो यहाँ पे कुंती माता को भी आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी वो किया और शिव जी के आदेश पे एक राजा श्वेत केतु था, यहाँ पे आता है श्वेत केतु जो 100 साल तपस्या किया तो उनको आशीर्वाद देने के लिए भी दुर्वासा मुनि गए थे और कई बार दुर्वासा मुनि इंद्र के उसमें भी चले जाते, जो पार्लियामेंट में सभा होती है ना तो वहां जाके बैठ जाते हैं। तो आप ये मत सोचे इस दुनिया में कोई फ्री है, कोई फ्री नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई है, इंद्र वहां ऐसा मजे नहीं ले सकता, इंद्र को रोज का पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखना पड़ता है, उसमें साधु लोग भी आ जाते जहां उसको उत्तर के बृहस्पति का अनादर किया इंद्र ने तो कितना प्रॉब्लम हो गया, और अगर दुर्वासा मुनि आ गए तो इंद्रदेव बोलेगा सबको ताड़ा ताड़ी कर बेन, ओ बाबा मुझे दुर्वासा मुनि हो बेन जल्दी करो गड़बड़ नहीं करो। तो यहाँ कहा गया और उनके पास इतनी सिद्धियां हैं कि वो इस मटेरियल स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो स्पेस के अलग रूट्स होते हैं जो सिद्धियों से मिलते हैं उसमें वो ट्रेवल करते हैं, इतना तक कि वो वैकुंठ भी चले जाते हैं, तो वैकुंठ भी चले जाते हैं। और उन्होंने जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया, हमने जिसकी चर्चा पिछले सत्रों में की है, तो जब वो भागते भागते वैकुंठ यानी श्वेतद्वीप में भी गए तो 1 साल लग गया वापिस आने में, तो वहां तक भी वो जाने का उनका राइट्स है, तो जो पावरफुल है मिस्टिक पावर है इनके पास, यानी वैकुंठ तक ये पहुंच जाते हैं और उनके 10,000 शिष्य हैं, 10,000 शिष्य
और इनका है कि जहां भी भोजन पाने जाते हैं तो एक नहीं जाते, 10,000 एक साथ जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं प्रसाद के लिए, तो अगर हम लोग, हम ब्रह्मचारी 6 है ना, ट्रेन में समझो 5 या 6 ब्रह्मचारी है, कोई बोलता है प्रभु जी प्लीज आप हमको सेवा का मौका दीजिए, तो हम कॉल करके बोलते हैं हम 12 लोग। जनरली गृहस्थ लोग लगता है ओ प्रभु जी लोग 2 रोटी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो कभी कभी लोग, तो हम लोग 4 रोटी मंगाने के लिए नंबर डबल कर देते हैं कि भाई हम लोग 12 लोग हैं आप ले आओ। तो डिपेंडिंग, कुछ रोटी ऐसे है कि वो एक आदमी का ही 2 बेच देते, तो उधर हम आदर कर देते। यहाँ 10,000 शिष्य आ रहे हैं सोचिए। तो ये कथा यहाँ पे वही आ रही है कि जो दुर्योधन के घर एक बार, यहाँ पे 10,000 लिखा है, पता नहीं मैंने भी 60,000 सुना था, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, तो मैं भी इसके डिपेंड है, 50,000 कभी कभी पास आउट हो जाते होंगे, ऐसा होगा, जनगणना देखना पड़ेगा, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है प्रभु ने। तो जो दुर्योधन था, इनके राज्य में दुर्वासा मुनि गए, तो दुर्योधन बहुत खुश होकर उनको बहुत अच्छे से प्रसाद उसाद खिलाना ये सब 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 कर दिया, और इतना सब करके वो दुर्योधन देखे कितना कनिंग आदमी है, कितना कनिंग है ना। देखो द्वेषी लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उनको अपना दुश्मन ही हर चीज में दिखाई देता है, उसकी बर्बादी कैसे हो यही उनको दिखाई देता है, हम कैसे आगे करें, हम कैसे प्रोग्रेस करें, ये नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, युधिष्ठिर को मैं दिखाता हूँ, अब मैं ऐसे तो मार नहीं सकता। तो दुर्वासा मुनि, पृथ्वी जी आपको म्यूट करना होगा, आपका आवाज अंदर आता है पृथ्वी जी, हाँ म्यूट। तो उन्होंने कहा कि मैं बर्बाद कर दूंगा। तो दुर्वासा मुनि जब दुर्योधन के पास गए तो इतने अच्छे से प्रसादों इत्यादि खिलाया, बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि दुर्योधन जी से बोला मांगो क्या चाहिए। देखिए कितना मूर्ख है दुर्योधन, उसको हस्तिनापुर ही चाहिए था ना, तो डायरेक्ट हस्तिनापुर मांगता। लेकिन यहाँ पता चलता है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर नहीं चाहिए था, उनको इन 5 भाइयों की बर्बादी चाहिए थी, और बर्बादी की मेंटेलिटी उसके मामा श्री ने डाल दी थी, और उनके स्वार्थी पिता धृतराष्ट्र के वजह से आई थी। अगर किसी स्वार्थी का आप सेवा करते हो तो आप में दुर्गुण ही आने हैं, और आपका एडवाइजर अगर कनिंग है और दूसरों को तोड़फाड़ कर बात कर रहे हैं, तो जरूर आपका जीवन बर्बाद है, आपका अंत फ्री में हो जाए। दुर्योधन को कुछ नहीं करना था, दुर्योधन को केवल युधिष्ठिर के पास जाके बोलना था भैया मुझे बहुत इच्छा है ये राजा बनने की, आप ही कोई मार्ग बताएं। युधिष्ठिर खुद जो है उसको ट्रेनिंग दे के उसको राजा बना के खुद संन्यास ले लेते, युधिष्ठिर इतना सिंपल व्यक्ति था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम टेढ़े मार्ग को ले लेता है, जो कनिंग पर्सन है उसके एडवाइजर से उसको टेढ़ा मार्ग बताते हैं, सीधा में निकलता ही नहीं है। जो आपका बर्बादी करके गया उसको क्या करना है, उसको आके से माफी मांगने, भाई सच में मेरे से गलती हो गई, खत्म। लेकिन माफी नहीं मांग सकते ना, वो टेढ़ा टेढ़ा और टेढ़ा 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 टेढ़ा, लास्ट में उसको सीधा होना का आदत नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का तो अंत ही होगा। तो दुर्योधन जो है ये, इन्होंने दुर्वासा की अच्छी सेवा की, और जब दुर्वासा ने मांगा बोलो क्या चाहिए आपको, क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है ऐसा करिए, मेरे भ्राता युधिष्ठिर हैं, उनको आप कृपया करके उनके पास भी आप पधारिए, ये सेवा का मौके में मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को दिलवाइए। अरे सिंपल, दुर्वासा के थ्रू बोलवा देते कि मुझे राज्य चाहिए, भैया को बोलिए मुझे एक मौका चाहिए, तो दुर्वासा बोलते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, तो युधिष्ठिर महाराज उनकी सेवा के खातिर वो करके चले जाते। वो अलग बात है कि कृष्ण जो है वो अलग कोई रास्ता निकाल के दुर्वासा मुनि का रास्ता गायब कर देते। लेकिन एक सरल उपाय था, तो जब ऐसा बोला तो दुर्वासा मुनि बोला ठीक है हम वहां भी जाएंगे, उनका गूगल लोकेशन भेज दो, हम उनके उनके पास भी जाएंगे जंगलों में। अब जब वहां गए और दुर्वासा मुनि को ऐसे समय पे भेजा जब उनका जो द्रौपदी ने खा लिया ना, एक बार सूर्यदेव ने उनको एक पात्र दिया था, उस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र का नाम आपने सुना है, हमारे कई सारे हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो अक्षय पात्र
से दान करते हैं, अन्न दान करते हैं और उनको विश्व लेवल पे उनका नाम और ख्याति है। आज सभी स्कूलों में गरीब बच्चों को उनका अपना अन्नदान सिस्टम चलता है, ये बहुत अच्छा चीज है। हमारे मुंबई में भी अन्नामृत है, वो सब भी अन्नदान करते हैं। फूड फॉर लाइफ की स्कीम्स हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट्स भी ये सब स्कीम चलाती है, बहुत अच्छा चीज है। अन्नदान करना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, भिखारी नाम का सिस्टम नहीं होना चाहिए। भिखारी जो भीख मांगते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, इसमें कई भिखारी नकली होते हैं। 10% लोग तो स्पाइज होते हैं, उनको छोड़ा गया होता है भीख मांगो, 10-10 रुपए का सामान बेचो और नजर रखो कौन कहां से गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन भिखारी या भिक्षुक रूप में कोई होना नहीं चाहिए, सिवाय साधु के और ब्राह्मण के। वो ज्ञान में भिक्षा मांगते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि आप गुरुकुल में चाहिए तो फीस ले सकते हैं और उस फीस से आप खाना पीना चला सकते हैं, आपको किसी से दान मांगने की जरूरत नहीं होगा। तो मैंने बोला इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली बात, ये फीस ले लिया तो विद्या बिक गया तो वहां उसका वैल्यू खत्म हो गया। उससे भी डेंजरस, एक्चुअली जब मैं लोगों से मांगता हूँ ना, एक बोरिया चावल दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, मुझे एक दिन में 140 बोरिया चावल लगने वाले, मसाले दाल सब्जी अलग, सिर्फ चावल दिन का 140 बोरिया, 9 दिन फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली बोरिया चावल लगेगा, आप लोग भी दे सकते हैं। लेकिन चावल देने से, हम जब मांगते हैं ना किसी से दान में, तो उसका फायदा ये है कि वो आपसे जुड़ जाते हैं, आप समाज से जुड़ जाते हैं। और जब आप सामाजिक रूप से लोगों का दान से आप उपजीविका चलाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप उस समाज का कोई बुरा नहीं करना चाहते, ये अपने आप आने वाला मनोभाव है। लेकिन जब आप अपने रम्मी सर्कल से आए हुए पैसे से और 2 नंबर का पैसे से आप खाना खाते हो तो समाज से आपका संबंध टूट जाता है। फिर तो जो औपचारिकता है वही आप करते हो, टूटे टूटे आपका घर का संबंध भी टूट जाता है, लास्ट में आप लोनली रहते हो और अपने लोनलीनेस के कोट्स मार के अपने आप को सांत्वना देते रहते हो और डिप्रेशन का शिकार होके दुखी होके मर जाते हो। और दुखी होके मरोगे तो भूत योनि में जाओगे, वहां भी तुमको भूत पीटेंगे, दूसरे वाले जो नॉन डिप्रेस्ड भूत है वो आपको पीटेंगे। तो ये एक अलग ही साइकिल है, डूबने वाला साइकिल। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि जो है वो गए और क्योंकि सूर्यदेव ने पात्र दिया था, अब ऐसे समय पे भेजा था दुर्योधन ने कि माता द्रौपदी खाना खा चुकी, अब द्रौपदी ने खाना खा लिया, अब आए दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ। अब युधिष्ठिर महाराज देखे, प्रणाम किए, बोले, युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक है, राजा है, उन्होंने बोला आप लोग यमुना जी में स्नान करिए, हम सबके प्रसाद की व्यवस्था करते हैं 10,000 डिसाइपल्स की। उनको विश्वास था अक्षय पात्र पे, जो पात्र है उस पर विश्वास था। यहाँ जाके देखा तो द्रौपदी बोलते कम से कम एक बार पीछे के पूछ लेना चाहिए था कि कुछ बचा है कि नहीं। अब क्या करें, युधिष्ठिर महाराज चिंता में, पांचों पांडव चिंता में। लेकिन द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवो उनका कोई है ही नहीं, उनको माने पति जो है मेरे को तभी भी नहीं बचाए थे। तो मैं कृष्ण को पुकार के, उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और कृष्ण बोले मेरे लिए कुछ खाने को दो। तो वो बोले अरे प्रभु हालत ये है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो बोले कोई बात नहीं, वो जो पात्र है वो ले आओ, कुछ तो बचा होगा। तो उसमें एक छोटा शाक यानी पालक छोटा सा नीचे था, उसको उठा के भगवान ने खा लिया। जो ही भगवान ने खाया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, सारे विश्व में सभी जीवों को ढकार आ गया। जो 10,000 शिष्य थे अलोंग विद दुर्वासा मुनि, ये सब नदी में बबल आ रहे थे, बाहर डुडुम बुडुम बुडुम करके सब बेकार आ रहे थे, सबका इतना पेट भर गया। और कृष्ण ने बोला भीम जाके सबको आमंत्रण करो, सबको बताओ कि भोजन तैयार है। तो भीम चला गया गदा लेके, आप लोग त्वरित करके आइए, तैयार होके आइए, भोजन तैयार है। अब दुर्वासा मुनि उनके शिष्य बोले हम तो नहीं खा पाएंगे गुरुदेव। अरे गुरुदेव बोलते रहे हम भी नहीं खा पाएंगे। एक काम करते हैं, युधिष्ठिर का अपमान कर, मतलब उसको बुरा लगेगा कि हमने नहीं खाया, तो हम लोग भाग जाते हैं यहीं से, और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, मुझसे सब डरते हैं, तो मुझे, मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, चलो भागो यहाँ से। सब जो है वहां से पलायन कर गए। तो ये चीज को याद करते हैं अर्जुन, कहते हैं भैया, युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं, कह रहे आपको याद है ना, याद है ना कैसे कृष्ण ने हमको बचाया था दुर्वासा के प्रकोप से। तो हाँ मुझे याद है। तो ये वो
क्या कहते हैं उसको पार्ट है, जहां पे इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भगवान को योगेश्वर कहा गया है इसका कारण कि भगवान या प्रोपद लिखते हैं दिस इंसिडेंट प्रूव दैट द लॉर्ड इज ग्रेटेस्ट मिस्टिक एंड देयरफॉर ही इज नोन एज योगेश्वर, इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया है। अदर इंस्ट्रक्शन इज दैट एवरी हाउस होल्डर मस्ट ऑफर फूड टू द लॉर्ड, और दूसरा इसमें सीख क्या है कि हर एक गृहस्थ भक्त ने भगवान को भोग लगाना चाहिए, और भगवान को भोग लगाने से द रिजल्ट विल बी दैट एवरीवन इवन अ कंपनी ऑफ गेस्ट नंबरिंग 10,000 विल बी सैटिस्फाइड बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स बीइंग सैटिस्फाइड। तो 10,000 शिष्य ही क्यों ना लाए कोई, वो प्रसन्न होके जाएंगे। तो आप देखिएगा कई बार ये माताओं को भी अनुभव है कि आपके पास अतिथि आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन आप भगवान को भोग लगा के खिला दीजिए, वो पता नहीं चलता कि पेट कैसे भर गया, बोलते ना ना एकदम हो गया, आपके एग्जैक्ट हो जाता है, ना कम होता है ना ज्यादा, एग्जैक्ट हो जाता है। तो ये भक्ति की शक्ति है। मदद के लिए कैसे भगवान ने किया ये बताने वाले, पासपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं तो आज नहीं लूटी, टाइम भी हो गया है, टाइम हो गया और मैंने करा दिया टाइम। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को नर नारायण ऋषि का लीला जो है कृष्ण लाल जी बताएंगे, तत्पश्चात में क्वेश्चन आंसर करूंगा। कृष्ण लाल जी आपको मैं समय देता हूँ, आप प्लीज नर नारायण ऋषि का कथा बताए। कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद आज्ञा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, बहुत समय पहले की बात प्रभु जी, एक दंभोदेव नाम का असुर था प्रभु जी, तो उन्होंने सूर्य देव की इतनी तपस्या की कि सूर्य देव उससे प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया और उसको वरदान मांगने के लिए बोला। तो प्रभु जी उसने वरदान में अमृताओं का वरदान मांगा, तो उससे सूर्य देव ने मना कर दिया कि ये तो वरदान मैं दे नहीं सकता, बाकी कोई और है तो वो मांग लो। तो प्रभु जी उन्होंने कहा मुझे 1,000 दिव्य कवच चाहिए जिसको कोई तोड़ ना सके। तो प्रभु जी अगर तोड़े तो वो तोड़े जिसने कई हजार वर्ष तपस्या की है। तो प्रभु जी उसने सूर्य भगवान ने सोचा भाई ये इसका दुरुपयोग करेगा, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि उसकी तपस्या की थी, वरदान तो देना था, तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया। और वरदान देने के बाद प्रभु जी उसने वही किया कि उसने सारे को तांडव हाहाकार मचा दिया। और दूसरी तरफ प्रभु जी जो राजा दक्ष की पुत्री थी मूर्ति, तो उसका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र उससे धर्म से हुआ प्रभु जी। और जो मूर्ति थी वो इसके बारे में जानती थी, जो दंभोदेव था कि भाई वह ऐसे ऐसे है तार कर रहा था, उसने प्रार्थना की विष्णु भगवान से कि आप उसको भाई उसका वध करो कैसे भी। तो विष्णु भगवान ने उससे कहा जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। तो प्रभु जी उन्होंने कुछ समय बाद उससे जो मूर्ति थी उससे दो पुत्रों ने जन्म लिया, जिसके प्रभु जी शरीर दो थे लेकिन आत्मा एक थी, शरीर दो थे लेकिन रूप एक जैसा था बिल्कुल। तो उनका नाम था प्रभु जी नर नारायण की। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। तो प्रभु जी उनका जन्म हुआ। तो कुछ समय बाद उसी वन की तरफ दंभोदेव जो राक्षस था असुर था वो आया, और उन्होंने अपनी तरफ आते हुए उस नवयुवक को देखा प्रभु जी, उसका बहुत ही तेजवान रूप था और उसको देखकर उसको भय प्रतीत हुआ। तो उसने जब उसके नजदीक आया तो उसने नवयुवक था जो नर, उसने कहा मैं नर हूँ और मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी उसने कहा भाई उसको अंदर से तो डर फील हो रहा था लेकिन उसको उजागर नहीं करना था, उसने कहा ठीक है आप मेरे बारे में जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अमर हूँ और मेरे को कोई मार नहीं सकता, और मेरे को वो मार सकता जिसने कई हजार वर्ष तपस्या की है, आपके बस की बात नहीं है आप जाओ। तो प्रभु उसने कहा नहीं मेरे से युद्ध करो, मेरा भाई जो दूसरा नारायण वो तपस्या कर रहा और मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो प्रभु जी उसने युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया प्रभु जी तो दंभोदेव ने देखा उसका जो बल वो बढ़ रहा था, बल बढ़ते बढ़ते प्रभु जी उसने उसका एक कवच तोड़ दिया। तो एक कवच टूटने के बाद उसने कहा था प्रभु जी मेरा जो भी कवच तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभु जी उसकी मृत्यु हो गई नर की। तो मृत्यु होने के बाद प्रभु जी वो उसने
खुशी मनाई और वहां से चलने लग गया, तो उसने कुछ पल के बाद देखा कि पीछे से एक और युवक आ रहा है, तो उसको भी ऐसे तेज धार उसने देखा। प्रभु जी के मैंने इसको अभी तो मारा था नर को, ये जीवित कैसे हो गया, क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा था। तो प्रभु जी उसने कहा, उसने उसके पास आकर, जो नर पड़े हुए थे वहां पर, उसके पास आकर कोई मंत्र फूका और वो जीवित हो गए प्रभु जी। उसके बाद उन्होंने तपस्या शुरू की नर ने, और नारायण ने उससे युद्ध किया, उसने दोबारा फिर एक कवच को तोड़ दियो। ऐसे ही प्रभु जी उसने 999 कवचों को तोड़ दिया, और जब एक कवच बच गया तो प्रभु जी जो दम्बोदर था वहां से वो भाग खड़ा हुआ और सूर्यदेव की शरण में चला गया। तो सूर्यदेव की शरण में जाने के बाद प्रभु जी उसने उससे अपने रक्षा के लिए बोला, और वो दोनों नर नारायण भी उसके, प्रभु जी उसके पीछे पीछे गए, तो उन्होंने उसको उससे समर्पित करने के लिए कहा। और तो सूर्यदेव ने कहा, ये मेरी शरण में आया है और मैं इसको नहीं दूंगा। तो उन्होंने उससे कहा कि आप भी इसके दोषी हो गए, जो इसका कर्म फल है अधर्म है उसके आप भी दोषी हो गए, और अपने कमंडल से जल निकाला और उसको श्राप दे दिया कि आपको भी पृथ्वी पे आना पड़ेगा इसके लिए। तो प्रभु जी द्वापर में फिर इसका जन्म हुआ। ये प्रभु जी उससे लिंक है, जो आपने कथा सुनाई थी, जो कुंती माता थी उसने उससे वरदान मांगा था सूर्यदेव से, तो प्रभु जी उसने वरदान के स्वरूप उससे जब वो मांगा तो वो कर्ण का जन्म हुआ प्रभु जी, और वो उसको बहा कर चले गए। कर्ण के साथ साथ प्रभु जी उसका जो सूर्यदेव थे उसके तेज का भी उसके साथ जन्म हुआ था, जो दम्बोदर का और सूर्यदेव का। और दूसरी तरफ प्रभु जी जो कृष्ण भगवान थे और अर्जुन थे वो नरनारायण का उसमें आए थे प्रभु जी। तो प्रभु जी जब उनका ऐसे ऐसे हुआ तो, और जैसे उसमें जो कर्ण था प्रभु जी, कर्ण ने जो अपमान और जो बुरे कर्म किए थे प्रभु जी, वो दम्बोदर था उसका, जो सूर्य रूप, सूर्य के रूप में, सूर्य पुत्र के रूप में उन्होंने उससे बुरे कर्म करवाए थे प्रभु जी। जैसे द्रौपदी का अपमान हुआ, उसने अधर्म का साथ दिया, तो इसलिए प्रभु जी तो उनका फिर युद्ध में सामना हुआ, तो उन्होंने जो एक कवच बचा हुआ था, अगर वो अर्जुन उसको मार देते तो अर्जुन मर जाता, तो इसीलिए उन्होंने पहले कृष्ण भगवान ने, इंद्र दिए थे जो, उन्होंने उसका कवच मांग लिया था, और फिर कृष्ण भगवान ने उनका संहार किया था, और उसमें अर्जुन ने, कृष्ण ने करवाया था उसका संहार। तो ये प्रभु जी नर नारायण जी की कथा थी, और ऐसे उनका अंत हुआ। उसको शस्त्र कवच भी बोलते हैं प्रभु जी, क्योंकि उसको 1000 कवच मिले हुए थे। अरे बद्री विशाल के रूप में उनका लीला कोई है ना, वो आपने नहीं बताया। हाँ, बद्री विशाल में भी है प्रभु जी, वो उसमें उन्होंने जन्म लिया था, जन्म तो प्रभु जी से लिया था उन्होंने, मूर्ति माता से, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, वो उसमें प्रभु जी वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव ने, जो इंद्रदेव थे उसको हुआ कि भाई ये उसको पर मालूम तो था नहीं, उसने समझा भाई ये नर नारायण है जो कोई मनुष्य के रूप में है, तो उसको डर हुआ कि इंद्रासन ना घुस जाए। तो प्रभु जी उसने जो उर्वशी थी, वो कामदेव था, और उर्वशी और जो अप्सरा थी उनको नीचे उतारा और उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहा प्रभु जी। कामदेव ने अपने सारे के सारे बाण चलाए लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, और वो वहां पे तपस्या कर रहे थे प्रभु जी बद्री विशाल में दोनों। तो प्रभु जी उन्होंने उन पर जब कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने देखा, जब काम नहीं हुआ तो उनके मन अंदर भय उत्पन्न हुआ, कामदेव के भी और उनके अप्सरा के भी, भाई हमारे को श्राप मिलेगा। लेकिन जो नर नारायण थे उन्होंने श्राप नहीं दिया और खुशी मन से उनके बोला कि आप मांगो जो मांगते हमारे से। और प्रभु जी उन्होंने, नर नारायण ने उनको उर्वशी भी दी, भाई ये इतनी उर्वशी है जो हमारी सेवा करती है, ये तो कुछ भी नहीं है अप्सरा, हमारे पास जो हमारी सेवा करते हैं इतनी सुंदर सुंदर है, इनमें से आप कोई भी एक लेके जाओ और वो इंद्रलोक में ले जाना। तो प्रभु जी उन्होंने उर्वशी को दिया नर नारायण ने, और वो इंद्रलोक लेके गए। इंद्रलोक लेके जब गए तो प्रभु जी उन्होंने देखा कि उनका भंग नहीं हुआ उसने इंद्र ने, और हमारे को एक उर्वशी भी दिया जो हमारे पास इतनी सुंदर कोई अप्सरा नहीं है। तो प्रभु जी वो उन्होंने कहा नहीं, हमारे को ऐसे ऐसे भाई ये उर्वशी भी दिया, हमारे को कुछ नहीं कहा। तो प्रभु जी उन्होंने जो है उनको ये कहा कि भाई वो नर नारायण जी स्वयं भगवान है, और उनको नमन किया, और नमन करने के बाद प्रभु जी उनको आभास हुआ कि ये नर नारायण है जो विष्णु के अवतार हैं, और उनको वहीं से दंडवत किया और उनसे समायाचना की प्रभु जी। हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है 19 तारीख से रिलेटिव। एक माता जी को आप समझा रहे थे कि आभूषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन किया था उन्होंने। प्रभु जी, मेरा कहना यह है कि जीवन में बैलेंस बनाने के लिए कई लोग साइंस का इस्तेमाल अपना यूज करते हैं, जैसे कि उसको जानकारी लेके, जैसे दो बच्चे हैं पहले ऑलरेडी, फिर उसके बाद और बच्चे नहीं चाहिए, तो इसका इस्तेमाल वो लोग करता है। तो आपने उसको पाप बताया, तो कहाँ तक इसको साइंस का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए? देखिए, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं नहीं समझा। आपका क्वेश्चन क्या है? बोलिए, माता जी को बुलाओ, माता जी ने क्वेश्चन क्या क्वेश्चन डाली है सामने। क्वेश्चन है प्रभु जी कि आपने बोला था कि लड़कियों को पता लग जाता है तो लोग अवॉर्ड करवा देते हैं। क्या बोला? नहीं बोलो, आपको क्वेश्चन क्या है ये बोलो, फिर मैंने क्या बोला मैं वापस बोल दूंगा। मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, आपने बोला कि अवॉर्ड कराना पाप है। इसका नाम अवॉर्ड। आगे बोलिए कि पाप है। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास 4-5 लड़कियां अगर हो और वो चाहता है, इच्छा रखता हो कि मेरे पुत्र की भी प्राप्ति हो, तो उस संबंध में अगर आवश्यक कराता है तो पाप कैसे? मैं तो नहीं, बच्चे को तो मारेगा ना वो, पाप तो है। अगर उसके कपार में नहीं लिखा है बेटा, और उसको 5 बेटियां हो रही है, 6 बेटियां हो रही है, 10 बेटियां हो रही है, क्या दिक्कत है? या तो तुम अपने बंद कर दो, तुम अपना बोल दो कि ठीक है 5 बेटियां भगवान ने जो दिया इनको मैं संभाल लूंगा। इसलिए आपको 5 बेटा नहीं हो रहा है, इसलिए बेटियों को मारने का अधिकार किसके लिए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रभु जी, किसी ने नहीं दिया आपको अधिकार है? आपको अधिकार है? नहीं है प्रभु जी। तो कहा मतलब हो गया ना मर्डर, मुझे क्या पूछ रही? मेरा पूछना यही था कि लोग अपने मन में इच्छा इस तरह रखता है सारे, लोगों के मन को हमें क्या करना है? पाप का आपके मन से कोई लेना देना नहीं। तुमने सामने वाले जीव का जो इस दुनिया में प्रकट हो सकता है उसको आने से पहले तुमने उसका वध कर दिया, तो ये अधिकार आपको दिया किसने? कॉमन सेंस ऑन है तुम्हारा कि बंद है? जी प्रभु जी, ऑन है, ऑन। इस पूरे महफिल में ना जितने भी लोग बैठे हैं अभी, इन सबको भी पता है कि तुम टाइम पास क्वेश्चन पूछो, ये यूजलेस क्वेश्चन है। इतना भी नहीं पता चल रहा है, जो सामने वाले को मारा, मुर्गी मारा तो पाप है, तो जो बच्चा आ रहे हो पाप नहीं होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। जी प्रभु जी, बेटी ही क्यों, बेटा भी मारेगा तो भी गलत है। किसी को सिर्फ बेटियां ही चाहिए और गलती से बेटा हो गया तो मार दो, भी पाप। कॉमन सेंस है, इसमें साइंस कहां से? अगर तुम्हारा साइंस के पवित्र जल छिड़कता है तो साइंस से कर लिया तो पाप से बच जाओगे? साइंटिफिक एबॉर्शन करने से पाप से बच जाओगे? ये जो हमारे गाय कटते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से, लोग बराबर टांग के काटता है तो बच जाता है? जी प्रभु, कम से कम हमें कॉमन सेंस ऑन रखो। जी सुषमा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने बोले कि जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनका सेवा करना करने से भी हमारे अंदर दुष्टता आती है, लेकिन हम लोग तो माता जी है तो हम लोग तो ऐसे चयन नहीं कर सकते है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। नहीं, आप लोगों को देखिए, हर एक का अपना मर्यादा होता है। जैसे आप किसी की पत्नी है, आप किसी की बेटी है, आप किसी की माँ है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक सोसाइटी कम्युनिटी की व्यक्ति हैं आप, समझो कोई ना कोई कम्युनिटी का एक व्यक्ति होता है, तो आप भी हैं। तो उधर क्या है ना, कुछ मर्यादाएं हैं, तो कई बार हमें मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे दुर्योधन अगर धृतराष्ट्र के बोलने पे करता तो बात अलग था, लेकिन मामा के पास जाके टेढ़ा टेढ़ा ज्ञान लेने का जरूरत नहीं था, ये तो वो लेने गया। धृतराष्ट्र से मिलता ऑर्डर, क्या ऐसा ही करो बेटा, जाओ यही करो, जाओ
तो वो दोष धृतराष्ट्र को लगता, लेकिन क्योंकि उसने खुद ऐसे लोगों का सेवा को आनंद से स्वीकार किया और इधर भी जो शकुनी जैसे टेढ़े लोगों का ज्ञान लिया और दुशासन जैसे टेढ़े और दुष्ट भाइयों का मदद लिया, इससे वो खुद कितना कपटी है ये पता चलता है। तो अगर हमारी बद्ध अवस्था है तो जो सेवा है उसको अनासक्त रूप से करें, यानी अगर समझो कोई दुष्ट आपसे कोई काम करवा रहा है और आप उसके अंडर हैं, समा और दियर आपको करना पड़ रहा है, तो आप मजे मत लीजिए, उसको दुष्ट मजे लेना और लेगा भोगेगा वो, ठीक है ना जी। प्रभु जी धन्यवाद। यस नीला चल माता जी। ऋषभ देव लीला अवतार हैं या शक्ति आवेश अवतार? माता जी बड़ा लिस्ट मैंने बनाया था, अभी मैं आपको कल देख के बताता हूँ, मैंने एक लेक्चर दिया उसमें सारा डायग्राम सब बताया। अगर वो लीला अवतार नहीं शायद शक्ति आवेश में, पर मैं फिर भी चेक करके बताऊंगा आप। okay, किसी को कंफर्म है तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो लिस्ट है उसमें सारा दिया हुआ है कि कौन से अवतार कितने। मैंने किधर पढ़ा था कोई लीला अवतार है, लेकिन लीला अवतार होने के डाउट है मुझे कि लीला अवतार होने के नाते उनका एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्लैनेट है ऐसे कि वो टेम्पररी ऐसे इंकार्नेशन। मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके याद दिला दीजिएगा शाम में। ठीक है क्लास में वो है लिस्ट मैंने दिया था, मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा था ना लॉकडाउन सीरीज में, तो सभी नामों के नीचे मैंने नाम लिखे थे इसके, ये अवतार हैं ये सारे 2400 के सबके नाम लिखे। हाँ वो मैंने देखे लीला अवतार है, मैंने कितने सुना था कि शक्ति आवश्यक लीला अवतार महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है उसके हिसाब से वो मैंने पढ़ाया है, तो अगर उसमें लीला अवतार में है तो फिर लीला अवतार ही। हाँ तो फिर उनका धाम वैकुंठ धाम में होना चाहिए एक लोक, वो पता नहीं मुझे। मैं आपको चैतन्य चरितामृत से वो पेज खोल के कल श्लोक पढ़ा के सुना दूंगा, जो भी अवतार होंगे कल हम फाइनल कर देंगे। ठीक है ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 20, मध्य लीला अध्याय 20, उसमें श्लोक नंबर मालूम है, पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो अवतारों का लिस्ट आता है, तो लीला अवतार में उनका नाम आ जाएगा। That I will read, but my real question is, if his Leela avatar, he will have his internal abode? Yes, yes. Okay, okay, okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mosmi Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanyavad Pranam. प्रभुजी भगवान की लीला अवतार और सप्तदेश मतलब जो बोले अभी माताजी, तो वो अवतार में दोनों में अंतर क्या है और वो क्या है? अच्छा आपको क्या करना होगा, मेरा लॉकडाउन सीरीज है, लॉकडाउन सीरीज मेरे यूट्यूब में जाइएगा, मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लॉकडाउन सीरीज है, लॉकडाउन सीरीज को खोलते जाइएगा, लॉर्ड कृष्णा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसा करके 8 पार्ट्स, मुझे लगता है 7वें या 8वें पार्ट में मैंने कैसे कैसे भगवान के अवतारों के भाग होते हैं, कौन से अवतार किसमें फिट होते हैं और वो अवतार के भाग को कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारा मैंने उस अध्याय में 45 मिनट में बताया। क्या प्रभु जी कौन वाला बोले? कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा पार्ट 7, 8 पार्ट में लॉर्ड कृष्णा के लेक्चर है, वो मेरे को लगता है 7 या 8 आठवें पार्ट में वो डायग्राम है, बार बोर्ड में मैंने डायग्राम बनाया आपको दिखेगा उसमें, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से अवतार क्या क्या है, वो सारा आप उसमें सुन सकते हैं, नहीं होगा तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूं जी। वो ऐसा है भगवान का अपना जो है अलग अलग अवतार, लीला अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, स्वयं प्रकाश होते हैं, वैभव प्रकाश होते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी जो मैंने उसमें समझाया, 45 मिनट लगा समझाने में, मुझे उसको पढ़ने में 4 दिन लगा था, मैं खुद ही उसको पढ़ते पढ़ते 4 बार में विस्तार में जा रहा था, एक चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, किनके संकर्षण से वो आते हैं, तो वो थोड़ा ना, तो अगर वो है तो देख लीजिए पार्ट 8 और पार्ट 5 जो है, पार्ट 7 और 8 दोनों में से कहीं तो
मैंने पढ़ा है उसको, अच्छे से पढ़ा है उसको, बाद में भी मैंने गीता में भी पढ़ा है। भगवद गीता जो है उसमें मुझे लगता है चौथा अध्याय में जब भगवान अपने अवतार की बात करते हैं ना, परित्राणाय साधनम, तो उस समय मैंने वापिस वो चीज पढ़ाया है, तो दो बार पढ़ा है, आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको पर्सनल लिंक भी भेज। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ऐसा मी याद म्हणजे आठवण होतं, एकदा कृष्ण बुक वाचताना असंच ते असा प्रसंग येतो की जेव्हा दुर्योधनचा जन्म होत असतो, कोणाचा जन्म, दुर्योधनचा, दुर्योधन हा, तेव्हा असे गाढव ऍसेस वर ब्रेइंग वगैरे म्हणजे गाढवे असे ओरडायला लागतात वगैरे, असं म्हणजे अपशकुनचे हे येतात, मग ते पाहून विदुरजीना कळत की बा हे म्हणजे काही दुष्टात्मा येणार आहे, आणि तो मग धृतराष्ट्र ऍडवाइज करतो की बा धृतराष्ट्रात्मा येणार आहे आणि तू तुझ्या कुळाचा नाश करील, तर बेटर राहील की तू त्याला म्हणजे हे म्हणजे संपवा असं काहीतरी आठवतो मला, मग ते असं का आहे का, मग म्हणजे असं धृतराष्ट्रमा म्हणजे एखाद्या महात्म्याला कळत असेल तर मग ते असं धृतराष्ट्रमाला असं संपवू शकतो का आपण, मग त्या दृष्टीने तर आपण सगळे पापी जाऊ नये। प्रभुजी पूछ रहे हैं कि दुर्योधन जब पैदा होने वाला था तो वो गधे चिल्ला रहे थे और ये जो जो है चीजें ऐसी हो रही थी, वहां उनको ऑलरेडी संतों ने कहा था धृतराष्ट्र को कि आप ऐसा करिएगा तो ये जो बहुत भयंकर व्यक्ति है इसको मार दीजिए। तो देखिए जो राजा है, राजा तो राजा को प्रजा का सृष्टि को बचाना है तो उसका वो दायित्व है, तो अगर उसको पता है असुर है और वो कंफर्म है तो उसका वध वो कर सकते, तो वो अलग है, वो हत्या नहीं कहा जाता, वो है वो राजा का कर्तव्य है कि असुरों का दमन करना और समाज में धार्मिक स्थिति को स्थित रखना, तो वो राजा का कर्तव्य करने का काम है। जैसे अभी दिनेश जी ने पूछा तो वो क्या, वो उनका कहना कि साइंस को बड़ा बना रहे थे पाप से, साइंस बढ़ाने, हाँ अगर साइंस कल बोलता है कि ये असुर है कल पूरे सृष्टि में बर्बाद करेगा तब उसको मार सकते, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये साइंटिस्ट लोग को ही पहले मार दो, ये लोग सिर्फ आविष्कार करके चले जाते हैं और असुर लोग उसका इस्तेमाल करके दुनिया को पूरा बेड़ा गर्क करके रखती है, सब जगह इंडस्ट्री खुला है, लोग इंडस्ट्री में जी रहे हैं, केमिकल सूंघ रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं और लोग कैंसर हॉस्पिटल को खोलने को बड़ा मानते हैं, वाह 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 देखिए कैंसर हॉस्पिटल खोला, अबे नलायक कितने लोग कैंसर ही बन कैंसर में मर रहे हैं, वो आए कहाँ से, वो तुम्हारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आए हैं, तो घमंड नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज, तो ऐसे नहीं कि आप वध नहीं कर सकते, वध कर सकते हैं किसका, उसका नियम है, अपने स्वार्थ के लिए आप वध नहीं कर सकते, आपको पांच बेटियां और छठा बेटा चाहिए तो मार देंगे, उसे आप चुपचाप पांच में बैठ जाइए, छठे का आवश्यक ही मत रखिए, गलत तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा पाप किया है कि आपको नहीं हुआ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उस पाप का निराकरण करिए और कोई अघोर पाप नहीं करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और ऐसा वैसे तो अपन कलयुग में सभी दुष्टात्मा ही थे, इसलिए हरि नाम है, पापी तापी यत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई, जब जगाई मधाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा आपका क्यों नहीं होगा, हरि नाम लीजिए, आनंद लीजिए और क्या, हरे कृष्ण माता। प्रभु जी हे जरा सांगा बरोबर आहे की चूक ही मेंटॅलिटी, ओके, कधी कधी इतकं डिटेल्स आहे ना शास्त्रामध्ये तुम्ही शिकवताय किंवा आत्ताचे प्रश्न डिफरंट टाइप्स ऑफ अवतार, तर ओव्हरऑल एज अ बिगेस्ट सबसेट अँड टू कीप इट सिम्पल, जर कृष्ण हे मेन आणि बिगेस्ट धरलं, फॉर एक्झाम्पल कृष्ण पूर्ण अवतार आहे, एनी असे प्रश्न येतात, तर इज इट लाईक लेझीनेस का इज इट ओके टू कृष्ण सेंटर धरून कुठलाही प्रश्न येतो इन्स्टेड ऑफ गेटिंग इन टू डिटेल, म्हणजे अभ्यास करायचा पण ओव्हरऑल, हे मला विचारायचं होत। तुमचा क्वेश्चन पुन्हा एका लाईन मध्ये विचारा, फायनल पॉइंट, फायनल क्वेश्चन, कीप इट सिम्पल करून कृष्ण एज अ बिगेस्ट सबसेट ऑफ एनी क्वेश्चन और आन्सर टू एनी क्वेश्चन, हे असं
हे अशी मेंटालिटी इज इट ओके का माताजी माताजी पूछ रही है कि देखिए हम सब भक्त हैं, हम सब तो जानते हैं कि कृष्ण सर्वे सर्वा और उन्हीं के सब हो रहा है, तो सारे क्वेश्चंस को उसके अंदर ही रख के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, पूछना चाहिए। तो देखिए सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हम सवाल तब पूछते हैं, बोलते हैं डाउट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि काम कर रहा है तो आपको डाउट आएगा, तो डाउट में पूछने का आपको पूछना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कई बार हम उस अज्ञान में रह जाएंगे कि सब कृष्ण कर रहे हैं, यानी ये अबॉर्शन हो रहा है तो भगवान ही करवा रहे हैं, ये किसी का अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो भगवान करवा दो, ये अज्ञान होने लगेगा। तो कृष्ण तो कंट्रोलर है, लेकिन वो क्या क्या चीज आपको पे छोड़ दी और क्या अपने पास रखे, ये भी जानना जरूरी है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है, ठीक है ना। अरे जी एमजे करके कोई व्यक्ति जो हाथ ऊपर उठाए, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी ऋषभ देव जी जो थे वो आवेश अवतार है, आई जस्ट चेक्ड विद माय नोट्स, ही इज इन द नोट्स निकाले हुए, देखो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो शक्तिदेव अवतार है, चलो भाई अभी किला दाम नहीं है, और ही इज भागवत आवेश अवतार है, माता जी जैन है, ये ऋषभ देव के वैसे फॉलोअर्स है, जैन के जितने परंपरा है ना, ऋषभ देव उनके फर्स्ट तीर्थंकर है, तो कोल्लूर में एक जगह है कर्नाटका में कूड़ाचात्री बोलते हैं, वहां पे ऋषभ देव ने अपने आप को फॉरेस्ट में वो किया, तो वहां हमारा गुरुकुल है, आप सबको वहां ले चलूंगा कभी, बहुत सुंदर वहां हमारा गुरुकुल है, तो यस ऋषभ देव जो है वो शक्तिवेश है, यस also is godly empowered like Lord Kapil, Lord Rishabh Dev, Ved Vyas, so they come in under Bhagavata Avesh Avatar. Bhagavata Avesh, yani kya hua, ek jeev hota hai और एक भगवान का स्पेशल ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट भगवान की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो वो भगवत आवेश ऐसा शक्ति आवेश अवतार, वेरी गुड, थैंक यू माता जी आपने बचा लिया मेरा नोट्स। प्रभु जी देयर इज वन क्वेश्चन, आई हैव वन डाउट हियर दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साधु थिंग, सो मेनी पीपल आई होप आई शुड नॉट टेक नेम्स, दे फॉलो विद सो कॉल्ड यूट्यूबर साधुज एज वेल एंड दे कंसिडर देम एज एन साधु, तो उनकी फिलोसॉफी को काटने के लिए राइट समटाइम्स वी नीड टू आंसर दैट लाइक आचार्य वट एवर दे क्लेम देम सेल्फ, सो ऐसे साधु की भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू एंड दे कंसिडर देम लाइक दे फॉलो वट एवर दे से। पहली बात तो जो जो यूट्यूब पे आता है, माता जी कह रहे हैं कि साधुओं का सम्मान करने के चक्कर में तत्व ज्ञान तुमको मैंने बताया था, तो जो साधु केवल ऐसा आ रहा है दाढ़ी बढ़ा के बोल रहा है नहीं है, ये देखो कि उसके नाम पे कितना प्रॉपर्टी है, पहली बात तो अनासक्त है क्या, सब कुछ त्याग करके केवल सत्य के पीछे भाग रहा है तो वो साधु है, कुछ लोग धंधा बना चुके हैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख रहे हैं और फुल पैसा है, हाँ लोगों को उल्लू बना रहे हैं और फिर ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनको तो पहले धो देना चाहिए, उनको तो रोटी भी नहीं खिलाना भगा देना, साधु हम किसकी बात कर रहे हैं जो सब कुछ छोड़ चुका है, मोह माया छोड़ के वो लगा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर तत्वों में कोई फर्क है, जैसे कोई वो कुछ बोल रहे हैं जो हमको नहीं स्वीकार है और हम आगे, तो वो चीज हम बहुत प्यार से बोल सकते हैं उनको कि महाराज मैं आपकी बातों को एकदम मानता हूँ, परंतु मुझे एक सवाल ये था कि अगर हम ये समझे तो क्या गलत है, तो ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा कि वो साधु समझेगा कि ये इस तत्व ज्ञान की बात कर रहा है, तो वो आपको रिस्पेक्टफुली आंसर देके अपनी बात को रखेगा, फिर आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हैं, पर साधु को डिसरिस्पेक्ट या फिर जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये मेन पॉइंट। ओके प्रभु जी हरे कृष्णा, थैंक यू, यस आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दुर्वासा मुनि अभी भी है क्या? दुर्वासा मुनि मेरे को लगता है होने चाहिए, क्योंकि वो तीनों लोकों में घूमते हैं, तो जैसे महर लोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक के जो जीव हैं, ये ब्रह्मांड के स्टार्ट से लेकर ब्रह्मांड के एंड तक जीते, तो दुर्वासा मुनि उस लेवल के हैं, और क्योंकि शिव जी के अंश हैं, तो वो तो मेरे को लगता है कि ब्रह्मांड के स्टार्ट से एंड तक। बुलाना है नहीं, मतलब वो कहाँ पे मोस्टली जाते, जहाँ भक्ति ज्यादा होती है उधर वो बुला लीजिए, घर पे चावल दाल ज्यादा है तो बुला लीजिए, है ना, सभी आपके कल्याणवासी जितने भक्त लोग हैं उनको बोलिए, महिला मंडल को, कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं 10,000 शिष्यों के साथ,
तो आ भी जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम प्रभु जी, अच्छा है ना, सेवा करने को मिलेगा। आ जाएंगे तो भी अच्छा ही है ना, सेवा करने को मिलेगा। और बोलेंगे माता मांगो क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे मेरे बेटे का सर दर्द ठीक कर दीजिए, मेरे पति को हेल्दी रखिए, मेरे बारे में तो छोड़ दीजिए, मेरा बस पर्स भरा रखिए। सच में प्रभु जी गोलू का सर दुख रहा है। एनीवेज ठीक है, अच्छा है भगवान पूर्व सब इनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ओके। अभी बहुत समय हो गया है, आज का टाइम भी खत्म हो गया, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी।